हेलो दोस्तों, आज मैं बनाना पैनकेक बनाने जा रही हूँ। आइए स्टार्ट करते हैं। ये मैंने दो बनाना लिया है, काफ़ी पका हुआ है। इसको ऐसे ही करके मैश कर लेते हैं फॉक से। ये मैश हो जाए, मैश को इसको अच्छे से काफ़ी फॉक की सहायता से मैश करेंगे इसको ऐसे। ये देखिए ऐसे मैश हो गया है। इस ना देखिए ऐसे इसको मैश करके पूरा ग्रेवी की तरह से कर देते हैं। फिर इसमें मैंने एक डेढ़ गिलास, ये जो गिलास दिख रहा है उसे डेढ़ गिलास मैंने दूध लिया है, और उसमें बनाना का जो मैंने पेस्ट बनाया उसमें थोड़ा थोड़ा डाल के उसको दूध के साथ भी अच्छे से फेंट लेंगे, फेंटते हैं। और इसी गिलास से मैंने ये 1.5 कप मैदा लिया था जो ये बाउल में दिख रहा है। अब उसमें मैं उसी जो है उसको थोड़ा थोड़ा मैदा डाल के उसमें मैं जो बनाना और दूध का मिक्सर है उसमें डाल के थोड़ा थोड़ा करके अच्छे से फेंट लूँगी इसको। ये देखिए कैसे मैं थोड़ा थोड़ा डाल के इसमें फेंट रही हूँ इसको। बिल्कुल इसमें गांठ गुठलियाँ कुछ नहीं होनी चाहिए। धीरे धीरे आराम से इसको फेंटिए, अच्छे से फेंट जाता है। ये देखिए मैं फॉक की सहायता से कैसे फेंट रही हूँ। देखिए इसमें मैंने सारा पूरा मैदा जितना लिया था उतना सब डाल के अच्छे से फेंट ली हूँ। अब मैं इसमें अब नमक मिक्स करूँगी, थोड़ा सा नमक बस डालूँगी चुटकी में। ये जो चम्मच जो दिख रहा है उसमें थोड़ा सा बस ली हूँ, और इसमें नमक थोड़ा सा डालूंगी। और थोड़ा ये बटर ली हूँ मैं, इसको मेल्ट करके इसमें मिक्स करूँगी बाद में। और ये बेकिंग पाउडर है जो इस चम्मच से मैंने 1 चम्मच बेकिंग पाउडर डाला हुआ है इसमें। देखिए अब इसको सारी चीज़ें जितनी भी डाली इसको सबको मिक्स करूँगी अच्छे से। देखिए मिक्स हो गया है। अब मैं इसमें बटर जो मेल्ट करके ली हूँ उसको मिलाऊंगी, इसको भी अच्छे से डाल के फेटूंगी। और मैं लास्ट में 2 चम्मच बड़ा चम्मच उससे मैं चीनी डाली हूँ इसमें। इसको भी ऐसे ही सब जैसे जब डालें सबको मिक्स करके अच्छे से फेंट के इसको मैं 15 मिनट के लिए रख दूंगी। अब देखिए 15 मिनट हो गया है। अब मैं इसमें इसको 15 मिनट के पहले मैं रखी थी, अब ये फेंट हो गया अच्छे से। अब मैं बनाने जा रही हूँ। देखिए पैन पहले इसमें रखी थी, गर्म हो गया था, उसमें मैंने तेल लगा के और ये मिक्सचर जो है उसको डाल रही हूँ। और देखिए ये हल्का हल्का वो जो जाली टाइप दिख रहा है ना वो नीचे से हो गया है, इसलिए वो ऐसा ऊपर से दिख रहा है। मैं इसको पलट के दूसरे साइड भी वैसे सेक लूँगी। देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना, गोल्डन ब्राउन की देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब मैं दूसरी साइड दिखाती हूँ, अभी नहीं अच्छे से हुआ है इसलिए फिर मैं उसको वापस उस साइड करके अच्छे से सेकूँगी। हल्का हल्का तेल या बटर जो भी आप लगाते हो उसको लगा के चारों साइड, अब दोनों साइड मतलब ऐसे सेक लीजिए। देखिए अब सीख गया है हल्का हल्का, उस पर चित्ती जैसे आती है वैसे आ चुके हैं। मेरा पहला बन गया। अब मैं दूसरा बनाती हूँ, सेम वैसे ही है। ये देखिए मैंने दूसरी साइड भी पलट के इसको
ऐसे तेल ब्रश से आप लगा सकते हैं दोनों साइड सीख गए। ये तीसरा मैं बना रही हूँ, ऐसे सारे पैनकेक सब बना लीजिए आप, बना के ऐसे ही आप खाइए।